हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चॉकलेट पाइनएप्पल फ्लेवर केक। तो बहुत ही टेस्टी और स्पॉन्जी केक बना है हमारा, देख सकते हैं। तो चलिए बनाने स्टार्ट करें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी लेयर्स में कट कर लेंगे इसको। अगर आपको स्पॉन्जी केक बनाने की वीडियो देखना है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे। तो ये देख सकते हैं कितना बिल्कुल स्पॉन्जी बना है, आप इसका देखना टेक्सचर। तो देख सकते हैं कितनी परफेक्ट इसमें जाली बनी है। तो इसको हम दो लेयर में कट कर लेंगे, तीन लेयर में। और फ्रेंड्स, मैं यकीन से बोल रही हूँ, आप इसको परफेक्ट माप से बनाओगे तो बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट ये स्पॉन्जी बनेगा ये केक है जो। तो ये देख सकते हैं इसकी जाली कितनी परफेक्ट बनी है, बिल्कुल इजी तरीके से हम बनाना बताएं केक को। तो देख सकते हैं हम इसको तीन लेयर में कट कर लिए हैं। तो चलिए आगे की तैयारी करेंगे। तो ये हमने आइस क्यूब लिए हैं एक थाली में डाल के, और इसमें ये बाउल लिए हैं। तो इसके लिए हम व्हिप क्रीम तैयार करेंगे। तो ये हमने एक कप व्हिप क्रीम का लिया है, तो इसको हम बीट कर लेंगे। और इस केक को आपके बड़े या बच्चे कोई भी नहीं छोड़ेगा, इसको इतना पसंद आएगा सभी को। ये बहुत ही परफेक्ट बना है केक है जो। तो ये देख सकते हैं हमारी क्रीम है जो बीट भी हो चुकी है। तो आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके की हमारे को क्रीम, इसको बीट करना है। तो ये हमने कटोरी ली है, तो इसके लिए शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो हमने 3 चम्मच शुगर सिरप के लिए हमने 3 चम्मच शुगर का पाउडर लिया है और इसमें पानी ऐड करे हैं। तो ये हमारा शुगर सिरप भी बनके तैयार हो गया है। तो ये चलिए अब इसकी हम आइसिंग करेंगे। तो ये हमने लिया है केक बोर्ड, तो इसके ऊपर सबसे पहले हम क्रीम लगाएंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे शुगर सिरप। तो हमारे को शुगर सिरप बहुत ही अच्छे से लगाना है, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, तो केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा अगर आप अच्छे से लगाएंगे तो। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखे, स्किप ना करें। कि वीडियो पूरी देखोगे तो आप बहुत ही अच्छे से बना पाओगे रेसिपी है जो। तो देख सकते हैं हम अच्छे से लगा दिए हैं। तो अब इसके ऊपर हम व्हिप क्रीम लगाएंगे। तो इसके ऊपर हम 2 चम्मच इसके ऊपर डाल रहे हैं पाइनएप्पल क्रश की डालेंगे। आपको जो फ्लेवर है उसी फ्लेवर से आप बना सकते हैं, अगर आपको कोई सा फ्लेवर भी देना है इसमें। तो चलिए अब इसकी दूसरी लेयर को भी अच्छे से हम कोटिंग कर लेंगे। केक को हम एक अलग तरीके से बनाए, चॉकलेट फ्लेवर में भी बनाए हैं हमने, पाइनएप्पल फ्लेवर में भी। तो इसका मजा बहुत ही अच्छा आएगा, आप एक बार इसको जरूर बना के ट्राई करना। तो इसके ऊपर भी हम अच्छे से आइस लगा देंगे व्हिप क्रीम। तो देख सकते हैं अच्छे से हम इसको लगा दिए हैं। तीसरी लेयर भी हमने रख दिया है इसके ऊपर। और इसको हम एक बार क्रम कोटिंग करेंगे कि जो भी हमारे इसमें क्रम निकलते हैं इसके चॉकलेट केक के, तो उसको एक बार हल्की से हम इसको क्रम कोटिंग कर देंगे, तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी आपको आइसिंग करने में। तो इस तरीके से हम क्रम कोटिंग करेंगे हल्की हल्की लेयर से। और आप इसको क्रम कोटिंग करने के बाद में 5 मिनट आप फ्रिज में रख देना। तो ये देख सकते हैं कितना दिखने में कितना मस्त लग रहा है ये केक है जो।
देखिए क्रम कोटिंग हो चुकी है, तो अब इसको हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख के इसको ठंडा करेंगे और फिर इसके ऊपर आइसिंग करेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट हम इसको रख लिए, अब इसके ऊपर आइसिंग कर लेंगे बिल्कुल परफेक्ट वाली। और इस केक को बिगनर्स भी बिल्कुल आसानी से इजी तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी केक को बनाने में। तो ये देख सकते हैं हमारी आइसिंग फिनिशिंग तरीके से हो चुकी है। तो ये हम इसको लिए डिजाइन बनाने के लिए, आप अगर इसको प्लेन भी रखना चाहो तो इस तरीके से भी रख सकते हो। तो इसके स्क्रब से हम कर देंगे इसकी डिजाइन। तो ये देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से आ गई। तो यह हमने तैयार किया है पाइपिंग जेल, तो इसको हम इस तरीके से डाल देंगे। अगर आपको पाइपिंग जेल की वीडियो चाहिए तो आप इसमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो वो वीडियो भी हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा पाइपिंग जेल भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डल चुका है, ये ईजी तरीके से घर पर बन जाता है। तो ये नीचे की हमने बॉर्डर बना रहे हैं, तो आपको जो पसंद है उसी शेप में बना सकते हैं। वाओ कितना अच्छा दिख रहा है केक है जो। तो चलिए अब इसके ऊपर हम ऊपर भी इसके 3 फ्लोर बना लेंगे। तो देख सकते हैं बन चुके। तो इसके ऊपर हम एक एक चेरी लगा देंगे। थोड़ी सी इसके ऊपर डाल देंगे हम गोल्डन बॉल, सिल्वर और गोल्डन बॉल को हम मिक्स करके ऐड कर देंगे। तो ये देख सकते हैं और कितना अच्छा दिख रहा है, दिखने में भी खाने में भी बहुत ही टेस्टी केक बनेगा ये, आप एक बार जिसको जरूर बना के ट्राई करें। तो देख सकते हैं हमारा केक बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको हम कट करेंगे और हमारे सिंपल तरीके से पाइनएप्पल फ्लेवर केक बनाने की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।